9 न्यूज स्वागत है आप सभी का। दोस्तों हमारे चैनल में आज मैं आपकी होस्ट श्रुति लेकर आई हूँ इस वक्त महाराष्ट्र के मिनिस्टर से लेकर महाराष्ट्र के सीएम तक ज्वेलरी पर बना रहे हैं दबाव। आदम खान के फैंस के लिए आई है ये गुड न्यूज। शाहरुख खान और गौरी खान के लिए आई है बेहद राहत भरी खबर। कैसे एनसीबी पर बना है दबाव, क्या है फिलहाल का ये मामला, पॉलिटिक्स से जुड़ गया आदम खान के ड्रग कांड का। आइए बॉलीवुड अपडेट इस शो में हम आपको बता दें, नवाब मलिक के नए ट्विटर पोस्ट कर रहे हैं एनसीबी के कारनामों की तरफ इशारे। वह क्या कहना है नवाब का, जो कि आदम के पक्ष में खड़े नजर आए ड्रग मामले पर उनकी गिरफ्तारी के बाद। पूरी रिपोर्ट में जानिए क्या है मामला। आदम के लिए खुशखबरी से जुड़ा हुआ देखिए रिपोर्ट। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर अब तक जो हमने आपको बताया है, जिस तरह से आर्यन खान को जेल में रखा गया है, जिस तरह से आर्यन खान को लगातार ही अपनी ज़िंदगी के इस मुश्किल घड़ी में सामना करना पड़ रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड में आर्यन खान को लेकर तमाम खबरें हैं। अब यहाँ पर हम महाराष्ट्र के सीएम के बारे में बात करेंगे। आर्यन खान केस इन्वेस्टिगेटर ने जो चार्ज लगाए हैं उस पर बात करेंगे। जिस तरह से आर्यन खान ने बात किया है इस पर हम आपको जानकारी देंगे। जी हाँ, आपको ये जानकारी देना ज़रूर चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। एक बार फिर से आर्यन खान को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र मिनिस्टर ने केस के इन्वेस्टिगेटर पर बात की है उसकी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। दरअसल इस मामले में तहकीकात के बीच जो खबर है उससे आपको रूबरू कराना चाहेंगे। महाराष्ट्र मिनिस्टर नवाब मलिक ने फिर से आर्यन खान को लेकर एंटी ड्रग्स एजेंसी यानी कि एनसीबी और इसके हेड यानी कि समीर वानखेड़े पर निशाना साधते हुए ड्रग क्रूज केस को लेकर अपनी बात रखी। मेगा स्टार शाहरुख के बेटे आर्यन खान के और इस पर पहले भी बोल चुके, इस बार नवाब मलिक ने इन्वेस्टिगेटर समीर वानखेड़े पर निशाना साधते हुए कहा, एनसीबी के ऑफिसर्स को भी अपने निशाने पर लिया। मिस्टर मलिक जो 62 साल के हैं उन्होंने कुछ फोटोज शेयर की और कहा, द पर्सन सीन इन द पिक्चर इज फ्लैशर पटेल एंड हिज पर्सन इज जैस्मीन वानखेड़े, सिस्टर ऑफ एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े। और उन्होंने लिखा, मिस्टर वानखेड़े वाज इन्वेस्टिगेटिंग द आर्यन खान केस विद मिस्टर पटेल एंड क्लेम दे नो ईच अदर वेरी वेल। द क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन एनसीबी ऑफिसर मेक देयर एक्विटेंसेस अ विटनेस इन द केस। द एनसीबी लीडर आस्क्ड, ही आल्सो रिपीटेड द एलिगेशंस इन अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स। यहाँ पर देखिए जरा, द फ्लैशर पटेल लिखकर उन्होंने ये ट्विटर पर पोस्ट शेयर किया है। नवाब मलिक ने इस तरह से अपना गुस्सा जाहिर किया है, ट्विटर पर पोस्ट लिखकर कहा, हियर आर द फ्रंट पेजेस ऑफ 3 पंचनामा वेयर फ्लेचर पटेल इज अ पंच। नवाब मलिक ने आगे कहा, फ्लेचर पटेल सीन्स इन दिस पिक्चर विद समवन हु ही कॉल्स माय लेडी डॉन, हु इज द लेडी डॉन। यहां पर आपको बताना चाहेंगे, खास तौर पर चर्चा हो रही है इसलिए खास तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे, मिस्टर मलिक ने खुलकर कहा है कि आर्यन को निशाना बनाया गया है, रेड हुआ है क्रूज में। इसके बाद उनका कहना है कि वाकई में ये निशाना बनाया गया है। और तो बीजेपी के लीडर मोहित कंबोज के ब्रदर इन लॉ ऋषभ सचदेवा के बारे में भी उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया। मुंबई पुलिस के एंटी नार्कोटिक सेल को इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस करने की ज़रूरत है, मिनिस्टर ने डिमांड किया था। महाराष्ट्र मिनिस्टर रिमार्क्स ने कहा, फ्लैशर पटेल को लेकर इस वक्त आर्यन खान को निशाने में इसलिए लिया गया है क्योंकि समीर वानखेड़े के वो बहुत क्लोज हैं जो कि इस वक्त आर्यन को निशाने पर लिए हुए हैं। अब आपकी क्या राय है, आप हमें इस पर जरूर बताएं। तो आप सभी ने जाना आर्यन खान के बारे में, हमने आपके बीच बात की है। अब वक्त हो चला है आपसे यही इजाजत लेने का। फिर लौटेंगे ऐसी ही बी टाउन से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट लेकर ऐसी ही आपके बीच। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। और साथ ही साथ आर्यन खान के पक्ष में अगर आप खड़े हैं, शाहरुख और गौरी के बेटे को अगर आप सपोर्ट करते हैं, तो इस पर हमें आप अपनी राय जरूर भेजें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए। नमस्कार।
Yeah.